नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार राज आपके अपने चैनल टारगेट विद राहुल उपाध्याय में आपका स्वागत है। आज हम सीटेट, यूपी टेट, बिहार टेट, राजस्थान टेट इत्यादि राज्य स्तरीय विभिन्न राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा से संबंधित संस्कृत विषय में अध्ययन और अध्यापन का कार्य करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि संस्कृत विषय क्या शिक्षण कार्य में उपयोगी है, संस्कृत का विकास किस प्रकार से हुआ, संस्कृत किस प्रकार से लिपियों की जन्मदाता हुई, क्या संस्कृत आज के अनुसंधान शोध इत्यादि में महत्वपूर्ण है अथवा नहीं है। इन सबों की जानकारी के लिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे संस्कृत की उत्पत्ति एवं विकास। संस्कृत की उत्पत्ति एवं विकास, संस्कृत की उत्पत्ति ब्रह्मी लिपि से मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि जब ब्रह्मी और खरोष्ठी दो लिपियां प्राचीन काल में चल रही थी, उसी समय ब्रह्मी लिपि जो कि प्राचीन वैदिक लिपि थी, उसे हमारा संस्कृत एक लिपि बनी जिसका कि विकास हुआ। इसी संस्कृत के विकास से आज एक विशेष लिपि आप जो पढ़ते हैं देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि में ही संस्कृत को लिखन का क्रिया किया जाता है। इस संस्कृत के विकास में बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग अपना अपना प्रयोग किया, जिसमें कि संस्कृत को दो भागों में अध्ययन के दृष्टिकोण से बांटा, एक व्याकरण का भाग, दूसरा लिटरेचर का भाग, साहित्य। हम जो चर्चा करेंगे, सर्वप्रथम चर्चा करेंगे व्याकरण। तो आप लोग जानते होंगे कि संस्कृत में व्याकरण उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि अन्य किसी भी लिटरेचर में। जैसे हम लोग एक सामान्य सी वाक्य लिखते हैं, रामा विद्यालयम् गच्छति, राम विद्यालय जाता है, इसमें तीन चीजें, राम विद्यालयम् गच्छति, राम विद्यालय जाता है। सबसे पहले हम राम की बात करते हैं, राम क्या है? तो हम लोग जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कि जी सब्जेक्ट होता है कर्ता होता है, उसी प्रकार से संस्कृत में भी यदि हम कारक पढ़ते हैं तो उसमें कर्तरी प्रथमा होता है, यानी कर्तरी प्रथमा से हमने क्या किया, राम को लिखा। दूसरी चीज, यदि आप शब्द रूप पढ़े होंगे, शब्द रूप के विषय में सुने होंगे, तो शब्द रूप में राम शब्द रूप का, राम शब्द रूप का एक वचन रामा होता है जो कि प्रथम विभक्ति के अंतर्गत आता है। उस अब हम बात करते हैं विद्यालयम्। विद्यालयम् का मतलब हो गया विद्यालय। ये विद्यालय शब्द जो आया, हमारा कर्म है, राम का कर्म क्या है, विद्यालय जाना, जा रहा है कहाँ, विद्यालय, यानी कि कर्म। तो कर्तरी कर्म, कर्म के अंतर्गत, कर्म कारक के अंतर्गत हम लोग किसी भी काम को करने का जो फल पड़ता है उसको हम लोग देखते हैं। तीसरी चीज इसमें आता है गच्छति। गच्छति में दो चीज है, पहला चीज क्या है, एक धातु जो कि गम धातु से बना है। अब बात करेंगे सबसे पहले धातु होता क्या है। इंग्लिश में आप पढ़े होंगे वर्ब एक्शन, हिंदी में पढ़े होंगे क्रिया, उसी प्रकार से संस्कृत में क्रिया को धातु कहते हैं। धातु की अगर हम चर्चा करते हैं तो विभिन्न प्रकार के जो क्रियाएं होगी, जो कार्य हम लोग करना चाह रहे हैं, किसी काम को करना होना या समझा जाता है, उसे हम लोग क्रिया कहते हैं। इसमें जो है गम क्रिया है, गम धातु से गच्छ बना है जिसका अर्थ होता है जाना। अब बात आती है ती। ती शब्द का प्रयोग जो किया गया है वह आपका लाकार से है। लाकार क्या होता है, लाकार का मतलब अर्थ होता है काल।
लकार का अर्थ काल होता है। इसके अंतर्गत काल हम लोग दो प्रकार से देखते हैं, एक परस्मैपदी में, एक आत्मैनपदी में। परस्मैपदी में सामान्य रूप से हम लोग देखते हैं, आत्मैनपदी का प्रयोग सामान्यतः वॉइस में, वाच में के अंतर्गत किया जाता है। अब हम लोग सबसे जब इसकी चर्चा कर ही रहे हैं तो लकार की थोड़ी सी चर्चा करते हैं। लकार समान 10 प्रकार की होती है, लेकिन हमें विशेष रूप से अध्ययन की दृष्टि से 5 प्रकार की लकार की आवश्यकता होती है, जिसमें कि लट लकार, लोट लकार, लिट लकार, लंग लकार और विधिलिंग महत्वपूर्ण है। इसके अलावा भी जो लकार हैं, लुंड लकार, लिंग लकार, आशीर्वाद लिंग, प्रार्थना लिंग इत्यादि इत्यादि, कुल 10 हैं। लेट लकार भी हैं, जिसमें कि हम लोग देखते हैं किसके विषय में, ज्यादा भूल रहे हैं, लेट लकार के अंतर्गत हम लोग वेद का अध्ययन में, वेद साहित्य को लेट लकार के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। अच्छा, समझ गए, ओके। अब हम लोग चर्चा करते हैं सबसे पहले लट लकार क्या होता है, मिटावे लट लकार को हम लोग कहते हैं वर्तमान काल, लिख लीजिए लट लकार वर्तमान काल। वर्तमान काल में इसमें वर्तमान संबंधित जो वाक्य को अनुवाद होता है, जैसे मैं जाता हूं, वह जाती है, तुम खाते हो, मैं हंसता हूँ, इत्यादि इत्यादि बात, जो सामान्य सिंपल सी बात जो वर्तमान समय में हो रहा है, उसको हम लोग लट लकार के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। अब बात आती है कि इसको हम लोग अध्ययन करें तो कैसे, तो इसके लिए सबसे पहले 3 चीजों की महत्वपूर्णता होती है। एक होता है वचन, वचन में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। दूसरा चीज होता है पुरुष, पुरुष में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ये हम लोग अभी चर्चा जो करेंगे वो परस्मैपदी में करेंगे, जिससे कि हमने पहले ही आपको बताया है कि लकार को हम लोग दो तरह से देखते हैं, एक आत्मैनपदी, दूसरा परस्मैपदी। हम लोग जो चर्चा भी करेंगे परस्मैपदी के अंतर्गत करेंगे। लिख देते हैं, परस्मैपदी में देखते क्या है, सबसे पहले ती, त, अंति, सी, थ, थ, आमी, आवा, आमा। ये छोटा सा पाठ है, इसी के आधार पर चलता है, लेकिन इसके साथ यदि हम जोड़ने वाली बात जब कर लेते हैं तो आसान हो जाता है। क्या हो जाता है, स या सा, तौ, ते, त्वम, युवाम, युयम, अहम, आवाम, वयम। ये जो है एक जोड़ने का पार्क प्रक्रिया है, इसी जोड़ के आधार पर हम लोग आसानी से लट लकार से संबंधित अनुवाद को बनाने का कार्य करते हैं। कैसे बना करते हैं देखिएगा, स का मतलब हुआ होता है, तौ का मतलब वे दोनों, ते का मतलब वे सब, त्वम, तुम, युवाम, तुम दोनों, यूयम, तुम लोग, अहम का मतलब मैं, आवाम, हम दोनों, वयम, हम लोग। अब हम लोग सिंपल से एक अनुवाद बना करके इसको पूर्ण करने का काम करेंगे, सीख लेंगे कि किस प्रकार से अनुवाद बनता है। बताइए, एक छोटा सा कोई सेंटेंस बोलिए, मैं खाता हूं,
एक शब्द आ गया मैं खाता हूं, मैं खाता हूं। मैं का हो गया, मैं का अहम, अहम लिख दिए। खाना में खाद धातु का प्रयोग करते हैं तो हम खाद, लेकिन अहम के साथ आमी का प्रयोग किया जाता है, इसलिए खाद में आमी जोड़ करके कर देंगे खादामी, अहम खादामी का मतलब हुआ मैं खाता हूं। उसी प्रकार से अगर होता तुम जाते हो, तुम जाते हो, तुम का क्या होगा तुम, तुम जाना का गम धातु से गच का रूप चलेगा, गच हो गया। अब देखिए यहां तुम के साथ सी, तुम के साथ सी का प्रयोग होगा तो गच के साथ यदि सी का प्रयोग करते हैं तुम गच सी, तुम जाते हो। अब आप समझ चुके होंगे कि किस प्रकार से, किस प्रकार से जो है लकार को अध्ययन करते हैं। ये आपका आज का एक संक्षिप्त कक्षा अध्ययन का कार्य रहा। इसी तरीके से आगे हम अन्य वीडियो के साथ मिलते रहेंगे। धन्यवाद। आप वीडियो को देख करके यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और या अधिक से अधिक इसे देखने का काम करें ताकि आपका जो संस्कृत से संबंधित समस्याएं हो हम उसे समाधान करने का प्रयास करें। धन्यवाद।